तो भाई ये है क्लॉक रूम का बिल, देख लो आप लोग कुछ कितना आपको पड़ेगा। ये 24 घंटे का रेट है, बाद में एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप कुछ लेट आते हो या कोई और दिक्कत होती है तो। तो भाई यहाँ पे इनको चाहिए इसका 140 रुपये, क्योंकि यहाँ पे है इनका एक्सेस चार्ज, है ना। वजन से ऊपर है ना आप कह रहे हो? वजन लाओ कर लेते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। 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 आपने क्या 140 लिया है यहाँ पे, क्योंकि आप बता रहे हो कि दो बैग हैं 24 घंटे से ऊपर ना। 24 घंटे और 80 रुपये किस लिए एक्स्ट्रा, किस बात का? 24 घंटे के ऊपर 15 अभी से ले लोगे आप वो? नहीं ले, कहाँ मांगे, अभी लिया ना आपने? ले लिया, ले लिया 140 ले लिया इन्होंने, ले लिया 60 का। अरे भाई आप ही ने तो बोले थे यार, तभी तो लिया मैं यार। आपने 140 लिया ना, 80 रुपये एक्स्ट्रा आपने दिया। एक दिया नहीं, आपने मांगा तो दिया, हमें क्या पता कि आप कितना ले रहे हो एक्स्ट्रा। आपने 140 लिया, कितना होता है दो दिन का, दो लगेज का? 15, 20, 35 ठीक है, और 35 का दुगना 70 रुपया होगा, और 140 20 किलो के ऊपर होगा तो 140। आप वाले कंडीशन में आप कैसे ले रहे हैं? अरे भाई आप वजन कर लो ना मेरे भाई, ले आना बैग उठा, कहाँ रखे पहले? कितना है ये? आप जल्दी आके तो रिटर्न करना पड़ेगा। ये कितना है? 20 किलो है, 12 है, चलो हटाओ। हाँ ये भी 20 किलो आपके हिसाब से? क्या देखा था वजन करके? हाँ किसने वजन किया था? आप उस पर ब्लेम मत कीजिए, आपने बोला नहीं उठाया था ना, आपकी गलती है और इनकी गलती है जो यहाँ खड़े हो। तो नहीं सकता ये आपको पता है, और मैं इसकी कंप्लेंट मैं करूंगा 100% करूंगा। सॉरी का क्या होता है, आप लोग ऐसे ही पब्लिक को दिन भर यहाँ बैठ के बनाओगे बेवकूफ, और फिर बाद में अपना हिसाब बना के कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ करोगे यहाँ पे बैठ के। देखता हूँ मैं अभी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई जर्नी में। अभी हम लोग हैं फिलहाल नवाबों के शहर लखनऊ में, और आज ट्रैवल करने वाले हैं राजधानी एक्सप्रेस में लखनऊ से दिल्ली। ये मेरा शॉर्टेस्ट ट्रैवल होने वाला है किसी राजधानी में, और ऐसा क्यों, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अयोध्या से मैं आया था लखनऊ वंदे भारत में भाई 5,000 रुपये का फ़ाइन दे करके, वो कहानी तो आप लोगों को पता ही होगी मेरे साथ क्या हुआ था। उसके बाद यहाँ से मैंने अमृत भारत में टिकट कराया, 20 वेटिंग थी, मैंने सोचा भाई कन्फर्म हो जाएगा, मोदी जी ने बढ़िया गाड़ी चलाई है, 20 स्लीपर के कोच है तो बड़े मज़े से कन्फर्म होगा। मैं इसी कॉन्फिडेंस में सो रहा था, टिकट मेरा रह गया वेटिंग, 11 वेटिंग, अब क्या बोले। उसके बाद कोई ऑप्शन दिखा नहीं, राजधानी को देखा 5 घंटा लेट आ रही है, फर्स्ट एसी में टिकट डाल दिया, उसका चार्ट बना वो भी कन्फर्म नहीं हुआ, 3 एसी में सीट निकली तब थोड़ी सुकून की सांस मिली और राजधानी में टिकट डाल दिया मैंने। वैसे लखनऊ की सर्दी बहुत ही तगड़ी है और काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में। और पीछे हमारे जो खड़ा हुआ है ना, ये अमृत भारत का लोकोमोटिव नहीं है, उसी की लिवरी में पेंटेड ये लोकोमोटिव है, और ये आया लखनऊ एसी के साथ। और अभी जस्ट मैं जब स्टेशन में एंटर हुआ था, मैंने फरक्का एक्सप्रेस में जाते हुए देखा तेजस WAP-7 के साथ, या WAP-5 है शायद वो। और हाँ ये सभी चीज़ें सुबह सुबह मिल रही है, मतलब आज की जर्नी हमारी लकी होने वाली है। देखते हैं राजधानी यहाँ कब तक आएगी लखनऊ में, और आपको ये जर्नी एक्सपीरियंस पूरा दिखाते हैं। आज का हमारा रूट यहाँ पे होने वाला है बरेली मुरादाबाद होते हुए नई दिल्ली तक। बाकी लखनऊ में क्लॉक रूम भी, हमको कल वापस यहीं आना है, तो हम लोग आज सामान यहीं पर जमा करवा के जा रहे हैं, क्योंकि भाई 24 घंटे में वापस ही आना है तो फिर क्या ही करेंगे। और यहाँ पर लखनऊ एसी खड़ी हुई, और ये बैटरी ऑपरेटेड कार भी यहाँ लखनऊ में अवेलेबल है, इसने हमारी एक बार अयोध्या खंड एक्सप्रेस में जान बचाई थी, हमको जैसे जैसे ट्रेन पकड़वाई थी। तो भाई ये है क्लॉक रूम का बिल, देख लो आप लोग कुछ कितना आपको पड़ेगा। ये 24 घंटे का रेट है, बाद में एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप कुछ लेट आते हो या कोई और दिक्कत होती है तो। तो भाई यहाँ पे इनको चाहिए इसका 140 रुपये, क्योंकि यहाँ पे है इनका एक्सेस चार्ज, है ना। वजन से ऊपर है ना आप कह रहे हो? वजन लाओ कर लेते हैं। नहीं, नहीं। 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 आपने क्या 140 लिया है यहाँ पे, क्योंकि आप बता रहे हो कि दो बैग हैं 24 घंटे से ऊपर ना। 24 घंटे और 80 रुपये किस लिए एक्स्ट्रा, किस बात का? 24 घंटे के ऊपर 15 अभी से ले लोगे आप वो? नहीं ले, कहाँ मांगे, अभी लिया ना आपने? ले लिया, ले लिया 140 ले लिया इन्होंने, ले लिया 60 का। अरे भाई आप ही ने तो बोले थे यार, अभी तो लिया मैं यार। आपने 140 लिया ना, 80 रुपये एक्स्ट्रा आपने दिया। एक दिया नहीं, आपने मांगा तो दिया, हमें क्या पता कि आप कितना ले रहे हो एक्स्ट्रा। आपने 140 लिया, कितना होता है दो दिन का, दो लगेज का? देखिए 20 किलो के नीचे रहेगा तो दो लगेज का, एक दिन का पहले 24 घंटे का 30 रुपया हो गया, ठीक है, ठीक। दूसरे 24 घंटे का 20 रुपया, 40 रुपया हुआ, तो समझे नहीं मेरी बात। आप 24 घंटे के अंदर आ गए, अगर 20 किलो के नीचे है तो 15 रुपया, 24 घंटे के बाद आए तो वही चीज का 15 का 20 हो जाएगा, मतलब 15 और 40, 15 और 20 मिला कितना हुआ? 15, 20, 35 ठीक है, और 35 का दुगना 70, 70 रुपया होगा, और 140 20 किलो के ऊपर होगा तो 140। आप वाले कंडीशन में आप कैसे ले रहे हैं? अरे भाई आप वजन कर लो ना मेरे भाई, ले आना बैग उठा, कहाँ रखे आप बैग बताओ उसको, आओ चलो भाई, इनको यही पसंद है तो यही सही, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको पहले वापस नहीं करेंगे ही नहीं, आप कोई और ड्यूटी में बैठा हो तो कौन वापस करेगा? नहीं, क्यों नहीं करेंगे सर, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरी
बात सुनिए सर, आप लेट आओगे तो दोगे, जल्दी आओगे तो ले लोगे। बात सुनिए सर, कोई रूल नहीं है। अच्छा उसके पहले कितना है ये? आप जल्दी आगे तो रिटर्न करना पड़ेगा। ये कितना है? 20 किलो है, 12 है, चलो हटाओ। हाँ हाँ भाई, दोनों मिला के 40 होना चाहिए ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, ये भी तौल लो यार। हाँ ये भी 20 किलो आपके हिसाब से? हाँ किसने वजन किया था? आप उस पर ब्लेम मत कीजिए, आपने बोला नहीं उठाया था ना। आपकी गलती है और इनकी गलती है जो यहाँ खड़े हो। तोल नहीं सकता, ये आपको पता है। और मैं इसकी कंप्लेंट मैं करूंगा, 100% करूंगा। सॉरी का क्या होता है? क्यों ना करूँ? क्यों ना करूँ आपका? आप पैसा पहले तो 80 रुपये वापस करो, उसके बाद बाकी का देखते हैं। आप लोग ऐसे ही पब्लिक को दिन भर यहाँ बैठ के बनाओगे बेवकूफ, और फिर बाद में अपना हिसाब बना के कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ करोगे यहाँ पे बैठ के। देखता हूँ मैं अभी। तो भाई आप देख रहे हो ना कैसे होता है लगेज का स्कैम। मैंने तो ध्यान ही दिया, मेरे को श्यांस ने याद दिलाया भैया वो रेट देखो, आप चार्ट देखो, तब मैंने जाके ध्यान दिया और उनसे पूछा। वो लोग 80 रुपये तो ऐसे ही एक्स्ट्रा ले रहे थे 24 घंटे का, और बताने लगेज आपका 20 किलो के ऊपर है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, मेरा लगेज 14 किलो 15 किलो, इससे ऊपर जाता ही नहीं क्योंकि कभी। मैंने कहा नहीं ठीक है, आप नापो। नापा गया, लगेज उसके अंदर निकला, ये लोग 20 किलो से ऊपर का रेट ले रहे हैं। आप लोग भी सतर्क रहो यार, मेरे से गलती हो रही थी, आज श्रेयांश ने बता दिया। उसके बाद तो फिर मैंने तो वापस से बिल बनवाया। ये देखो 30 रुपये लगे हैं 24 घंटे का दो बैग का। अब हम इससे बाद लेट आएंगे, कल जैसे शाम तक आएंगे तो 40 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 20-20 रुपये के हिसाब से हो जाएगा 24 घंटे के बाद। तो वो मैं देने को तैयार हूँ, पर यहाँ ये क्या है? तो रेलवे कुछ एक्शन लेना नहीं चाहती क्या यहाँ पे? लखनऊ वाले क्या कर रहे हो भाई? आपके डिवीज़न में ये सब धांधली खुलेआम चल रही है, और रेलवे का कोई भी अधिकारी इन सभी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कैसे चलेगा काम बताइए? हाँ लोग ऐसे ही चोरी करते रहेंगे, पार्सल स्कैम चलता रहेगा, और इंडियन रेलवेज भी चलती रहेगी, और वहाँ 30 की जगह लोग 140 रुपये लेंगे पैसेंजर से। और जो नहीं देखेगा, जिनकी रोज की आदत नहीं है, वो तो भाई देखे चला जाएगा, इनकी खुशी खुशी बढ़िया पैर फैला के बैठे हुए हैं वहाँ पर। चलिए देखते हैं गाड़ी अपनी कब तक आएगी, राजधानी मुलाकात करते हैं। लेट गाड़ी आ रही है, वैसे तो उसमें केवल ब्रेकफास्ट मिलने वाला था, अब देखते हैं इसमें क्या क्या सुविधाएँ आगे चल के मिलेंगी दिल्ली तक, सभी चीज़ आपको दिखाएंगे। और भाई आप लोग बस सतर्क रहना, मेरी तरफ से यही सलाह है। बाकी पीछे है फुट ऑन ट्रैक, यहाँ पे एक चाय पीता हूँ और अपनी जर्नी को शुरू किया जाएगा। ठंड जो है ना भाई लखनऊ में बढ़ रही है अच्छी खासी। भाई फुट ऑन ट्रैक की वाइब्स वगैरह तो अच्छी हैं, और जगह भी काफ़ी साफ़ सुथरी है, और सुबह की चाय यहाँ पे आपको टेस्टी मिल जाएगी जो पीने लायक है एटलीस्ट। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट लिए ब्रेड सैंडविच बर्गर वगैरह वो सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, स्नैक्स भी अवेलेबल हैं। आप एक बार एम्बियंस देख लो, पता नहीं म्यूज़िक स्ट्राइक ना आ जाए। चलिए मिलते हैं बाहर। यहाँ पे आ चुकी अपनी डिब्रूगढ़ राजधानी, वाया बनारस वाली है। B1 इसमें आगे की ओर दिया है, B2 यहाँ पे, यानी कि इसका जो रेक पोजीशन वो चेंज होने वाला है। AC 2 tier पीछे की तरफ उल्टी अरेंजमेंट लखनऊ में हमेशा की तरफ। फिर से इससे पहले भी हम लोग किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो लखनऊ ने लास्ट मोमेंट पे रेक उल्टा किया था, मतलब गलत रेक पोजीशन दे देते हैं ये लोग हर बार, बहुत दिक्कत होती है। आज भी गलत रेक पोजीशन दिए, देखो अब सारे यात्री उल्टे डायरेक्शन में मूव करेंगे। हमारा B13 था, लास्ट में डिस्प्ले कर रहे थे, एकदम लास्ट में गया, अब B13 आ रहा है एकदम आगे तरफ। क्या बोले, देखो ये रहा B10, ये B11 और 12-13 एकदम आगे तरफ, और मैं चला गया था पीछे तरफ ये सोच करके कि 13 पीछे तरफ आएगा। देख लो यहाँ पे रेक का हाल क्या बुरा सा, एकदम गंदा सा रेक है, साफ सफाई जैसे कभी हुई ना हो उसके जीवन में। और यही अपना कोच है, ये अपनी साइड लोअर है, चलते हैं अंदर। बाकी कोच यार 3C का तो हालत देख लो आप, क्या ही बोलूँ मैं अभी। बाकी गाड़ी का 3AC भी पूरा पैक सा है, यहाँ पे ये रही अपनी सीट साइड लोअर साइड अपर, और यहाँ पे थोड़ा गंदगी वगैरह फैला रखा है, इसको साफ करवा देंगे अभी। फर्स्ट इंप्रेशन आप देख लो डिब्रूगढ़ राजधानी के, यहाँ पे चलने में डर लग रहा है कहीं स्लिप ना हो जाऊँ मैं, पूरी गंदगी है, इसी गंदगी के बीच में खाने की सर्विंग अब होगी भाई, क्या ही बोलें अभी। 9 बजे गाड़ी को लखनऊ से डिपार्चर सिग्नल मिला, और यहाँ पे साफ़ सफाई जो है वो करवा दिए कह के, तो भैया यहाँ पे लगे हुए हैं इसको साफ़ करने में, और डिपार्चर सिग्नल जो अपना हो चुका है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे बंदरों का गैंग यहाँ पे मस्ती करते हुए,
और इसी के साथ अपनी ट्रेन जो है लखनऊ रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। एक अच्छी बात मुझे लखनऊ की ये लगती है कि यहाँ पे आपको हर सीज़न में फ्रूट के स्टॉल्स लेकर सभी चीज़ें मिल जाएंगी। लखनऊ बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है भाई, आप यहाँ से गोरखपुर की ओर, सुल्तानपुर की ओर, बनारस की ओर और बहुत सारे रूट्स में निकल सकते हो, इनफैक्ट कानपुर के लिए भी। और हम लोग लेकिन आज बढ़ने वाले हैं बरेली वाली लाइन पर। और लखनऊ स्टेशन का जो व्यू है ना वो बहुत ही कमाल का लगता है भाई। हमारी ट्रेन में पता है आपको लखनऊ में पानी वगैरह भी भरा गया है, सभी कोचेस में भरा गया एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे अच्छे खासे 15 मिनट के लिए रुक भी गई थी। भाई हम दोनों जैसे ही गाड़ी में चढ़े ना, दोनों के मन में पहला ख्याल आया कि भाई ये राजधानी लाइक तो है नहीं भाई। राजधानी ऐसी नहीं होती, आप लोग अपने अंदर इमेज मत बनाना, राजधानी ऐसी नहीं होती। बाकी डिविजन्स की राजधानी में देखो, बाकी जोन्स की राजधानी को देखो, बैंगलोर राजधानी देखो यार। मेरे को हावड़ा राजधानी, मुंबई राजधानी याद आ रही है भाई। उनके सामने बताऊँ इसका फर्स्ट एसी, उसका थ्री एसी बराबर है ऐसा, मतलब इसके फर्स्ट एसी का हाल भी इतना ही बुरा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है मुझे। हमें तो खाने से भी जो उम्मीद है वो भी एकदम डाउन हो गई, पहले ही डाउन हो गई। भाई अंदर का हाल भाई कोच का, ये भी मानता हूँ यात्रियों की भी गलती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो साफ सफाई वाला स्टाफ भी कर सकता है ना। 9 बज रहा है भाई, 9 बजे जाकर साफ सफाई नहीं हो तो कब होगी भाई। कोच भी मतलब उस लेवल का राजधानी को देना चाहिए ना, आप प्रीमियम किराया तो पूरा ले रहे हो। साफ सुथरे नए वाले कोच आपको देने चाहिए, 2014 का कोच लगा हुआ। बाकी गाड़ी देखो, मुंबई राजधानी हावड़ा से नए कोच आते हैं, फ्रेश बेडशीट मिलती है एकदम ताजी ताजी यार, मतलब देखते हैं भाई। बाकी डिपार्चर यहाँ से हो चुका है, चलो 3 AC में कम से कम दैनिक जागरण की सुविधा तो है, सुबह सुबह आपको एक न्यूज़पेपर मिल जाता है यहाँ पढ़ने के लिए। और बाकी जो ब्रेकफास्ट की सर्विसेज है वो भी इस ट्रेन में शुरू होने वाली है, अभी तो खैर कुछ नहीं शुरू हुआ, सामान वगैरह यहाँ पे रखा जाए फिर देखते हैं। बाकी ट्रेन अपनी अभी लखनऊ पार कर रही है धीरे धीरे, बाकी अपनी गाड़ी यहाँ पे धीरे धीरे सरक रही है और अपना ब्रेकफास्ट जो है सर्व हुआ है, और उसमें देख लो यार क्या आया है। मेरे को उम्मीद तो उपमे की है क्योंकि गाड़ी लेट है, और उम्मीद पर एकदम खरी उतरी है रेलवे। उपमा यहाँ पर दिया, साथ में यहाँ पे एक चाय बनाने के लिए एक सामग्री दी गई है, शुगर एंड एक टी डिप, और एक सॉस, बटर, ब्रेड, ये चीज़ें कुछ मिली अपने को, इससे काम चलेगा। बाकी हम लोग भी फ्रूट्स वगैरह लेकर आए, क्यों चेंज बिल्कुल फ्रूट्स वगैरह लेके चले, वो बेहतर ऑप्शन है बैकअप, क्योंकि पता नहीं ट्रेन कितना लेट ट्रेनिंग गाड़ी है ना, इसलिए पानी का बैकअप और खाने का बैकअप हमेशा लेकर के चलो। हम लोग लेकर चले फ्रूट्स भी और स्नैक्स भी, तो ये भी खाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे कैसा। अगर टेस्ट की बात करें तो बाकी जो आइटम सब तो पैक्ड आइटम है। उपमा जो है वो थोड़ा गर्म सर्व किया गया, अच्छी बात यह है कि गाड़ी लेट है फिर भी गर्म सर्व किया गया है। अब टेस्ट देखना इसका है कैसा, ट्रेन के हिसाब से तो काफ़ी ठीक है उपमा, और आज कटलेट वगैरह का ऑप्शन देखने को नहीं मिला तो हम लोग थोड़ा खुश हैं कि चलो कुछ तो वैरायटी अवेलेबल है आज ट्रेन में, वरना अक्सर ट्रेनों में केवल कटलेट वगैरह ही देखने को मिलता है। और ये लॉन्ग रूट की गाड़ी हो सकता है पहले दिन इसमें कटलेट सर्व किया गया हो, इसीलिए आज वापस से उपमा सर्व किया गया। बाकी ब्रेड बटर जैम भी हम लोग ब्रेड बटर भी ट्राई करेंगे, जैम वगैरह तो मिला नहीं है लेकिन हाँ ब्रेड सॉफ्ट है, ये चीज़ माननी पड़ेगी। बढ़िया इसे फिनिश करते हैं, आपसे जल्दी मिलते हैं बाहर।
बाहर अच्छी खासी ठंड है और अंदर ट्रेन में ब्लोवर चल रहा है, इसमें अच्छी खासी गर्मी है यार। मेरा जो पुलोवर था वो तो मैंने उतार दिया, अभी लाइट स्वेटर में बैठा हुआ हूँ। जैसे ही अपना जो पहला हॉल्ट है बरेली आएगा ना, वहीं पे जाकर के सीधा मैं पहनूंगा जैकेट। तब तक के लिए तो मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है अंदर। हाँ एक चीज़ बता दूँ, ट्रेन का कोई हॉल्ट नहीं है, हर बाला मऊ हरदो ये सभी चीज़ स्किप करते हुए, रोज़ा सहारनपुर सब हम लोग स्किप करेंगे, सीधा जा करके बरेली मुरादाबाद फिर दिल्ली। राजधानी है भाई, प्रायोरिटी तो मिलना ही है, लेकिन हाँ डिले जो हो गया है फॉग और बाकी चीज़ों के कारण वो भी झेल रही है, लेकिन फिर भी ट्रेन भाग बढ़िया रही है इस रूट। बाकी यहाँ पे गन्ने के खेत वगैरह बाहर लगे हुए हैं और ठंडियों के मौसम में गन्ने के जूस के मज़े ही कुछ और होते हैं यार। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में ही चल रहे हैं, काफ़ी मज़ा आता है इस सेक्शन में ट्रैवल करने में। दिल्ली कानपुर सेक्शन तो काफ़ी बोरिंग सा हो गया, क्यों सेंस? नहीं, ये सेक्शन कुछ नया है। हाँ यहाँ पे दिन में जर्नी हम लोग पहली बार कर रहे हैं, यहाँ पूरा रूट दिन में है। और ये हम लोग लेके चले थे लखनऊ से ही, वो ट्रेन लेट है तो कुछ ना कुछ अच्छा खा पी के रहे हम लोग काम चला सके, तो ये श्यांश भाई अभी खा रहे हैं। शाहजहांपुर से पीलीभीत जाने वाले प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, साथ ही साथ वहाँ से लाइन भी जाती है पीलीभीत के लिए सीधा। ये जो ट्रैक है पूरा का पूरा मीटर गेज का था, जहाँ से पीलीभीत मैलानी ननकपुर सब कुछ। लगातार और बेहतरीन चल रही है कि गाड़ी को साफ़ सफाई इसको प्रॉपर रखा जा सके, इस ट्रेन में साफ़ सफाई को। और वही है कि पैसेंजर्स की भी गलती है, सीट के नीचे पी के पानी की बोतल आप डाल रहे हो, कब डाल रहे हो, ये सभी चीज़ें आप डाल रहे हो, तो भाई कब तक एक इंसान अकेले पूरे कोच को साफ रखेगा? जब ऑलरेडी 72 से 80 लोग ट्रैवल कर रहे हो एक कोच में, अगर सब लोग अपना अपना काम कर लें स्वयं तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर ट्रैवल कर रहे हो तो गंदगी ना फैलाओ, ट्रेन को साफ रखो ताकि ओबीएस इसको और साफ करने में आपकी मदद कर सके।
लाइन आती है आपको दिख रही है ना, ये चंदौसी तरफ से आ रही है। एक और रूट है जो दिल्ली से बरेली को कनेक्ट करता है वाया चंदौसी, ये वाली लाइन है। बहुत सारी ट्रेनें इस रूट में भी चलती हैं, बरेली दिल्ली इंटरसिटी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। बाकी अब हमारी ट्रेन बरेली एंटर कर रही है। वैसे ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट यहाँ पे 9:11 का था बरेली पे, पर ट्रेन यहाँ पे 12:11 पर आई है। 3 घंटे का डिले यहाँ पे चल रहा है राजधानी एक्सप्रेस का। अगला हॉल्ट होने वाला अपना मुरादाबाद। वैसे बता दूँ बरेली अगर आप आ रहे हो तो यहाँ को सुबह चने और पूड़ी या कचौड़ी ये चीज़ें मिल जाएंगी। स्टेशन का खाना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बाहर आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बाहर आपको अच्छा मिल जाएगा। बाकी फिलहाल स्टेशन में भी भेलपूरी, स्नैक्स, पानी, ये पानी की बॉटल वगैरह ये सभी चीज़ें अवेलेबल है। खाने का तो कोई भी स्टॉल दिख नहीं रहा है और हमें ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमारी ट्रेन में केटरिंग हम लोगों ने लगभग 350 रुपये केटरिंग का पे किया था ना, तो उसमें आपका ब्रेकफास्ट एंड लंच और चाय सुबह की ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो खाने पीने की कोई चीज़ हमें तो खरीदनी नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पे पुष्पक लोकोमोटिव देख लो आप लोग, मुरादाबाद बरेली वाया चंदौसी वाली पैसेंजर है। राजधानी का 3 ही मिनट का हॉल्ट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी राजधानी का हाल देखिए आप लोग, क्या हाल है, क्या रंग बना रखा है गाड़ी का। दोपहर के 12 बजे लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे अपनी ट्रेन निकल चुकी है बरेली जंक्शन से। यहाँ से आप पीलीभीत के लिए भी निकल सकते हो और साथ साथ चंदौसी वाली लाइन तो मैंने आपको दिखाई, साथ ही साथ आप लोग यहाँ से बरेली सिटी रेलवे स्टेशन से बढ़ सकते हो लाल कुआं वाली लाइन के लिए, जहाँ पे आप लोग पंतनगर के रास्ते लाल कुआं और आगे वहीं से आप नैनीताल या रामनगर दोनों ही रूटों में बढ़ सकते हो। वैसे मौसम देख के लग नहीं रहा कि दोपहर के 12 बजे होंगे, मस्त ही ठंड है, कोहरा पूरा छाया हुआ है। स्क्रैप होने जाएंगे इज्जत नगर शेड के, कई सारे लोकोमोटिव यहाँ पे खड़े थे, आने वाले समय में ये स्क्रैप हो जाएंगे। बरेली सिटी से आपको कासगंज वाली लाइन भी मिलती है जो कि नीचे से अभी निकलेगी, ये यही आगे काठगोदाम के लिए जाती है। तो भाई ये है इस गाड़ी के वॉशरूम, नीचे तो मैं दिखाई नहीं सकता हूँ वरना आप लोग अनसब्सक्राइब करके भाग जाओगे, बट फिर भी कोने दिखा देता हूँ। साफ सफाई के नाम पे
कोच की गलती है, मेंटेन करने वाले भैया लोग तो लगे हुए साफ करने में, लेकिन क्या ही बोलूं, बहुत पुराने कोच है, इनकी कुछ मेंटेनेंस रेलवे ने ही नहीं किए। देखो इनका हाल, प्लग नहीं है यहाँ पे, तार निकला हुआ है, यहाँ पे नल लगा है तो टैप की जगह खुली हुई है, क्या ही बोलूं मैं। रेलवे को ध्यान देना चाहिए यार, कोच को मेंटेनेंस की जरूरत है, राजधानी ट्रेन है भाई, कुछ तो वैल्यू दो इसको। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बरेली के बाद जो ठंड और कोहरा है ये और ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे, पहले तो इतना नहीं था पर अभी विजिबिलिटी जो है काफ़ी कम सी दिखाई दे रही है मेरे को यहाँ पे इस एरिया में। ट्रेन भी धीरे हुई है अभी, अभी तक तो भाग रही थी। खैर उत्तराखंड के काठ गोदाम से आने वाली लाइन जो कि रुद्रपुर सिटी होते हुए आती है वो हमें यहाँ पे मिल, सामने से उत्तराखंड से आने वाली लाइन जो कि काठ गोदाम लाल कुआं रुद्रपुर सिटी होते हुए आती है वो रामपुर में यहाँ पे मर्ज होने जा रही है। भाई यहाँ की ठंड ऐसी लग रही है जैसे 5-6 डिग्री वाला टेम्परेचर, एकदम हाथ में भयंकर ठंड लग रही है, एकदम रिकॉर्डिंग वाला हाथ हो ही नहीं पा रहा है। ओ जैसे पहाड़ों में बर्फ गिरी हो इसलिए रामपुर यहाँ पे ठंडा हो गया है। कोचेज और रेलवे स्टेशन की शेड वगैरह आप देख सकते हैं। बाकी अभी हम लोग रामगंगा नदी को पार कर रहे हैं, ये नदी में पानी तो खैर नहीं है बट बढ़िया लग रहा है। अच्छा हाँ, इस तरफ है पानी, मुझे लगा पानी ही नहीं है, पर ये कोने में है पानी, दूसरा कोना तो काफी सूखा हुआ सा था, वहाँ ठंडी काफी ज्यादा इसलिए मैं अंदर बैठ गया। देखो लेकिन गंदगी भी काफ़ी फैलाई हुई है लोगों ने नदी किनारे, पता नहीं इस चीज़ का कौन ख्याल रखेगा, कैसे जिम्मेदारी लेंगे, मतलब मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये है भाई मुरादाबाद शहर, ठंड में सभी लोग यहाँ परेशान है अभी, देख लो भाई भयंकर ठंड है यार। वो जो रूट आपको आता हुआ दिख रहा है ना वो चंदौसी वाली लाइन है, अलीगढ़ चंदौसी होते हुए यहाँ पे आती है मुरादाबाद जंक्शन में, रामनगर वाली लाइन दूसरी तरफ से ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है, हमें मुरादाबाद जंक्शन हम लोग अभी पहुँच रहे हैं। भाई डिब्रूगढ़ राजधानी जो कि नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ की ओर जा रही है ना, हमारी ट्रेन का उल्टा वाला पेयर वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने को तैयार है, मतलब उसकी अनाउंसमेंट हो गई यहाँ पे। मुरादाबाद इस रूट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, जंक्शन रेलवे स्टेशन तो है ही, साथ साथ डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। आपको मैं बता दूँ यहाँ से आप सहारनपुर अम्बाला पंजाब वाली लाइन के लिए भी जा सकते हो, रामनगर के लिए जा सकते हो, और हम लोग वाला रूट तो आप देख ही रहे हो, चंदौसी अलीगढ़ वाली लाइन मैंने आपको दिखाई, इसलिए एक इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है यहाँ का। और मुरादाबाद अपने ब्रास एंड कॉपर के आइटम्स के लिए फेमस है, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे डबल डिकर वाले वीडियो में, हम लोगों ने यहाँ पे बॉटल वगैरह भी खरीदी थी। बाकी स्टेशन में पहली बार देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे फल वगैरह अवेलेबल है, वरना हमेशा ब्रेड पकौड़े एकदम तला तला आइटम ही अवेलेबल रहता है गर्मियों में। तो यहाँ देखो आज भैया फल बेच रहे, तो काफ़ी खुशी हुई देख करके, चलो फल तो है।
बाकी जो अप वाली राजधानी है ना उससे अगर क्रॉसिंग मैं दिखा पाए तो जरूर आपको कोशिश करूंगा दिखाने की। 2 बजे का उसका अराइवल टाइम था, वो तो बिफोर आ रही है, और हम लोग का यहाँ पे अराइवल टाइम था 10:45 AM का, और हम लोग यहाँ पे 1:45 PM पहुँच रहे, मतलब 3 घंटे के डिले के साथ। अभी हमें एग्जैक्टली दिल्ली में होना चाहिए था, अब देखते हैं कब तक पहुँचती है। मेरा एस्टिमेट है कि 5 बजे शार्प नई दिल्ली एंटर करनी चाहिए। हाँ, उसके ऊपर कोई डिले वगैरह होता तो अब भाई आप इस वीडियो में देखोगे। अब मुरादाबाद से दिल्ली हम लोग नॉन स्टॉप भागने वाले हैं। आज लगभग 10-15 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ, पर इतनी ठंडी मुझे किसी भी सेक्शन में नहीं लगी अभी तक, चाहे कितनी भी ठंड हो। और आज मुझे भयंकर ठंड लग रही है भाई यहाँ पे मुरादाबाद और ये रामपुर वाले सेक्शन में, ऐसा लग रहा है जैसे माइनस में टेम्परेचर चल रहा हो। श्रीनगर में जो मुझे वाइब्स लास्ट ईयर आई थी ना बर्फ़ के टाइम पे, वैसी ठंड और वैसी वाइब्स मुझे अभी आ रही हैं फिलहाल। डिब्रूगढ़ की ओर जाने वाली राजधानी तो आज के भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, वहाँ पे बाहर नहीं दिखा पाया आपको, उसको माफ़ करिएगा आप लोग। बाकी यहाँ पे 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग भी मुरादाबाद जंक्शन से निकल चुके हैं। चलिए फाइनली हम लोग मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। भाई जो ठंडी मैंने यहाँ मुरादाबाद में एक्सपीरियंस की ना, पूरे रूट में मैंने कभी कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं तो जा रहा हूँ अंदर, मुझे मेरी तबीयत नहीं ख़राब करनी भाई, जो है ऐसा इसमें ठीक हूँ। देखते हैं लंच में क्या आ रहा है। ट्रेन अभी थोड़ी साफ़ सुथरी हुई है, एक डस्टबिन जो है भरता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा वैसे इस जर्नी को पूरा करने के लिए ना आपको 1-1 लीटर की पानी बॉटल भी दी जाएगी, जैसे हम लोग लखनऊ चल रहे थे तो मिला था, और अब लंच भी सर्व हुआ है जैसे गाड़ी मुरादाबाद से निकली है, और एकदम गरम सर्व हुआ है, मेन बात ये है। अब देखते हैं भाई खाने में आया क्या है और टेस्ट इसका कैसा है। बाहर बहुत ठंडी है, मैं तो भाई बाहर जाने की इच्छा नहीं जता पा रहा हूँ, बट हाँ खाना आप देख लो, यहाँ पे दाल बढ़िया सी आई है, जीरा मिर्चा सब पड़ा हुआ है, साथ में यहाँ पे मिक्स वेज दी गई है, तो मिक्स वेज का भी टेस्ट देखेंगे, और यहाँ पे एक और सब्जी कुछ देखेंगे भाई टेस्ट कैसा। खाना तो देखने में बढ़िया लग रहा है। तो ये पराठे एकदम सॉफ्ट एंड बढ़िया आए हैं यहाँ पे, पराठे से तो कोई भी शिकायत नहीं, मुझे लगता है इसमें प्रिपरेशन हुई अच्छी खासी पेंट्री में आज खाने को लेकर के, ये नीचे से चढ़ा हुआ तो नहीं हो सकता इतना फ्रेश खाना। सारे होटल फेल है भाई सब्जी के आगे। दाल भी बहुत बढ़िया है, और साथ में जो आलू की सब्जी दी है ना मिक्स वेज, ये देखते हैं कैसी है। सच कहूँ तो फर्स्ट एसी वाला खाना ही लग रहा है, 3 AC जैसा नहीं है। जैसे प्रयागराज दुरंतो में खाया था, रांची राजधानी में खाया था, तो 3 AC का खाना बहुत ही ज़्यादा थर्ड क्वालिटी का था, इसमें बहुत अच्छा है खाना, खाना बहुत टेस्टी है इसका। इसको मैं 10 में 10 रेटिंग दे सकता हूँ 3 AC के हिसाब से। स्टाफ भी अच्छा है पेंट्री का, पूछ रहे भैया कुछ चाहिए तो लेके आता हूँ। बहुत तगड़ी भूख लगी सुबह से उसमें ट्रैवल करें, इसे फिनिश करते हैं, आपसे जल्द ही मिलते हैं। बाकी खाने के बाद अपना डेजर्ट के नाम पे आया है अपना वेनिला आइसक्रीम, तो 3 AC में आपको ये भी सर्विस मिल जाएगी, लेकिन हाँ ये अच्छी चीज़ है, पर ठंड में आइसक्रीम अलग ही कॉम्बिनेशन है।
स्किपिंग हापुड़ जंक्शन।